पे ही है, और ये मीडियम हो जाएगा, थ्री वाला हाई हो जाएगा। थ्री पे तक पहुंचो नहीं फर्स्ट पे अगर ये हाल है तो भाई साहब। सो टुडे इट्स अ 10th ऑफ अप्रैल आई बिलीव, टुडे इज अ संडे, और अभी जा रहा हूँ एक एक्स कलीग के घर पे, गुड फ्रेंड एंड एन एक्स कलीग ऑफ माइंड, एक पर्टिकुलर बाइक चलाने। कौन सी बाइक ये तो आप आगे जाके जान जाओगे, मेरे को लेना नहीं है ये बाइक, बट देन अगेन जस्ट वॉन्ट टू एक्सपीरियंस बिकॉज दिस इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ बाइक, एंड होपफुली सही आएगा वीडियो, लेट्स सी। संडे को बाइक निकालने में सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होती है क्योंकि हर कोई अपने घर पे होता है मोस्टली, एंड पार्किंग से बाइक निकालना बिकम्स डिफ़िकल्ट। आज सरप्राइजिंगली डिफरेंट है, उधर भी एक खाली, इधर भी एक खाली, उधर भी एक खाली, वाह मज़ा आ गया। डू यू नो व्हाट इज़ द क्लीनेस्ट पार्ट ऑफ माय मोटरसाइकिल? द डैशबोर्ड, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ दिस एडवेंचर कॉन्क्वेस्ट डैशबोर्ड कवर। बट आई मीन इसका एक मेजर कैवियट स्पेसिफिक फॉर द एडवेंचर 250 इज like on the adventure 390 you have all the cursors here, so if you want to control something you can do it from here, say for example trip meter ko mereko zero karna hai, so on the adventure 390 or the yeah you can do it from here, but for this you will have to open up this cover first and then do it from the buttons inside. So the while the cover protects and does its job fine, for the adventure 250 specifically this is one issue. It's not a problem with the device, this works fine, looks good also. तो अभी चलते हैं, दोस्त को मैंने फोन कर दिया है। दिन भर तो भाई इतनी गर्मी, इतनी गर्मी। ओ भाई साहब तुम किस साइड मुड़ोगे भाई? ओ भाई मेरे को जाना है उस साइड, बट मेरे को आगे से घूम के आना पड़ेगा। भगाने का कोई मतलब ही नहीं है, अभी पहुंच जाऊंगा इसका घर। अगर पहुंच गया। One eternity later. आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है व्लॉग में आने के लिए? सो दिस इज द बाइक गाइस, दिस इज अ रिवोल्ट आरवी 400 एंड ही इज द प्राउड ओनर ऑफ दिस। व्हाट्स योर नेम बडी? हर्ष। और ये है वो पापी इंसान जो सो रहा था घर के अंदर, मैं इसके घर के बाहर आके खड़ा हुआ था। चाबी जेब में रखना होगा ना, दब के बाइक बंद तो नहीं हो जाएगी बीच रास्ते में? मैं ऐसे बहुत सारे बेवकूफ़ों वाले सवाल पूछूंगा। बिना मिरर के चला लेते हो? दिक्कत नहीं होती? मेरे को बिना मिरर के बहुत दिक्कत होती है। ये भी रिकॉर्ड कर रहा है, पूरे ब्रह्मांड रिकॉर्ड कर रहा है। हाँ अच्छा, इसको अभी चलाने के लिए बस घुमा एक्सेलरेटर। ओ भाई साहब टॉर्क तो खतरनाक लेवल का है भाई। नहीं पता है, नहीं पता है, बताओ। ये तो बहुत आराम से जाना पड़ेगा। ठहर जा, फुटपेग इधर है, ब्रेक ब्रेक खाली है दोनों ना, एक्टिवा स्टाइल। ओ भाई व्हाट अ डिफरेंट एक्सपीरियंस मैन। Okay, so this is the gear. मैं बहुत आराम आराम से चला रहा हूँ क्योंकि रियर व्यू मेरा नहीं है। आई डोंट नो व्हाट्स दिस रैटलिंग नॉइज इज अबाउट। How's the horn? Let's see. That's a very unique experience. अजीब ही लग रहा है बिना साउंड के।
अभी आगे से जाके हमें यू टर्न लेना होगा बिकॉज दिस इज द हिंडन एयरफोर्स एरिया का बैक साइड. तो आई डोंट वॉन्ट टू लैंड अप इन एनी ट्रबल. मैं कुछ ज़्यादा ही आराम आराम से चला रहा था. हाँ, थर्ड तक पहुँचा ही नहीं, सेकंड तक पहुँचा भाई. आई डोंट वॉन्ट टू टेक अनजस्टिफाइड रिस्क. अच्छा, इसके बाद जैसे स्टैंड में लगा ये ऑटोमेटिकली इसका पावर कट कर देगा. ये सेम फीचर इसमें भी है. जैसे ये अभी भी रिकॉर्ड करे जा रहे हैं हम सबको. इसका वो यूज़ करते हो, इसका जो स्पीकर वाला एग्जॉस्ट नोट यूज़ करते हो इसको? ओहो, ये सही है. ये लो ऐसे एक चीज मेरे को पता है क्या, मैं जब यहाँ पे पैर मेरा क्या ब्रेक पे हल्का ऊपर होता है ना, यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं, मेरा पैर ढूंढ रहा था कहाँ गया भाई, कहाँ गया इसका ब्रेक. हाय गाइस, टेस्ट राइड के बाद घर तक और कोई मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, अंधेरा हो गया था. क्या ही रिकॉर्ड करूँ, क्या ही नया बोलूँ, तो सोचा अलग दिन में एक रिकॉर्ड करके बता दूँ. मज़ा आया इलेक्ट्रिक बाइक चला के, बट देन अगेन वो एग्जैक्टली जो कनेक्शन है, जो बाइकर कनेक्शन, वो समहाउ आई कुडंट कनेक्ट विद द बाइक. मे बी बिकॉज द बाइक वॉज नॉट दैट गुड इन अ शेप, द रैटलिंग नॉइज एंड ऑल दैट, एंड ओवरऑल वो मज़ा नहीं आया. I'm not saying anything against electric bike, but petrol ke badhte daam ko dekhte hue, I believe today it's 105 or 107 here in Delhi. I'm not sure about UP, almost aas paas hi hai. Is garmi mein cycle to chala nahi sakta, to either you are forced to pay the high petrol prices or you can buy any electric vehicle. And overall the bike is good. I mean, obviously the Revolt RV400 is definitely a very popular bike, that's why you see so many on road. Even maine Delhi mein Ather bhi dekha. I was surprised there, mere ko nahi pata tha Delhi mein Ather dikhta hai aur milta bhi hai. But anyways, yehi bolna tha, this was just a very short spin. I have never ridden an electric vehicle, so just wanted to experience how it feels. Theek hai, no sound hai, nahi hai, and this is one more thing. Indian roads mein we have so much of happening things going on, especially people not following rules, lots of animals on road. So imagining a situation where India has gone all electric, the roads are all silent, all you hear is logo ki gali, gaay bhaiso ki bolna, kutte bhaukna and all that. So that situation is pretty weird to even think of. But that's a very distant future. Pehle to establishments hone chahiye. The main thing that always bothers me is that, say for example, electric bike aapke paas hai aur sabke paas hai, but then again adequate number of charging docks and stations are still not there, and with fast charging what's the point that kal ko charger chori nahi hoga, kal ko battery nahi chori ho jayegi. I mean kuch na kuch hota hi rahega, bahut happening area hai humka. What I want to say is infrastructure has to be a lot more solid rather than just making and rolling out EVs after EVs in the market. Without laying down the foundation stone, you cannot just go ahead and create a skyscraper. So
So इसी बात के साथ आई टेक अ लीव, यू गाइस टेक केयर, राइड हार्ड, राइड रिस्पॉन्सिबली. आई विल अगेन कम बैक विथ सम अदर गुड एंड इन्फॉर्मेटिव व्लॉग शॉर्ट्स, जो भी होगा देखूंगा. आई एम इन टच विद द सुजुकी, एटको सुजुकी गाइज. टेस्ट राइड मिल जाता है, क्या है, V-Strom SX, तो वो भी करेंगे. एंड इन नियर फ्यूचर देयर आर सम बिग न्यूज कमिंग अप, नॉट अ सुपर बाइक एंड आई एम नॉट गेटिंग मैरिड, सो समथिंग एल्स आई विल रिवील इट जस्ट अबाउट राइट इन टाइम. सो टेक केयर, बाय बाय, टाटा.